हम लोग पहुंचे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, क्वेश्चन नंबर एट में। क्वेश्चन नंबर एट हम लोगों ने यहां तक ये चार कॉलम सॉल्व कर लिए थे। मैंने बताया था नेट प्रॉफिट, ये स्टेप थ्री ए में नेट प्रॉफिट लिख दिया था मैंने। ये टैक्सेस हैं, टैक्सेस मैंने बोला था ये काम नहीं आएगा, ये अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। ये मैंने साइड रूल में लिख के बताया था कि ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में काम आएगा, इस चैप्टर में नहीं। डायरेक्टर्स फीस नीचे एक एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि डायरेक्टर्स फीस जो लास्ट ईयर वाला है 30,000, वही हमारे काम का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द नेट प्रॉफिट इज डिटरमाइंड विदाउट टेकिंग डायरेक्टर्स फीस इनटू अकाउंट, डायरेक्टर्स फीस इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। तो मैंने आपको बताया था स्टेप थ्री ए में कि डायरेक्टर्स फीस जो है वो लास्ट ईयर वाला लेना है, मतलब 30,000 लेना है, उसके ऊपर वाले चार साल का नहीं। तो 30,000 एवरी ईयर ये प्रॉफिट लिखा था। फिर एक एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था डिप्रिसिएशन, इसके बाद वाले एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि 10 लाख के फिक्स एसेट्स है, उस पर 10% डिप्रिसिएशन मतलब 1 लाख has not been charged, मतलब 1 लाख डिप्रिसिएशन माइनस करना बाकी है। तो ये भी स्टेप थ्री ए में लिखा मैंने, डिप्रिसिएशन 1 लाख। मैं आपको ये भी बता रहा था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि कोई भी एडजस्टमेंट्स को एवरेज प्रॉफिट सॉल्व करने से पहले ही प्लस माइनस करना चाहिए, एडजस्टमेंट्स को पहले ही प्लस माइनस करना चाहिए एवरेज करने से पहले। उसके बाद आपको लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स 50%, ये स्टेप थ्री सी में लिख दिया मैंने 50%। उसके बाद ये 3 लाख रुपीज मैंने बोला था मिसप्रिंट है, 3 लाख रुपीज पे 5% डिविडेंड होगा, 15,000 यहाँ पे रुपीज आना चाहिए, ये 15,000 हम लोग स्टेप थ्री सी में लिख चुके हैं। फिर एडजस्टमेंट नंबर 5 से लेकर बाकी था, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन कंपनीज बिजनेस इज 5 लाख, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख। अब ये जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, वैसे एवरेज कैपिटल टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की मीनिंग थियरी वाले पेजेस में अलग बताई है, बट सम्स वाले पेजेस में टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं किया है। वैसे थियोरेटिकली आगे टेक्स्ट बुक वालों ने बताया कि दोनों अलग अलग बातें, बट सम्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि दोनों अलग अलग बातें। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट दी हुई है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की, ये 5 लाख, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 6%। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख। अब बाकी इसके नीचे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 6%, तो ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में काम आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6%, मतलब मल्टीप्लाई बाय 6/100, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 6%। तो मैंने 5 लाख भी लिख दिया और 6% भी लिख दिया। तो नॉर्मली सारे क्वेश्चंस में जो स्टेप वन सबसे ज्यादा हार्ड होता है, इस क्वेश्चन में वही स्टेप वन सबसे ज्यादा इजी है। स्टेप वन में कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा दिया हुआ ही है, तो बाकी सारी लाइंस मैं सीधा डिलीट कर दूंगा। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड में बाकी जो भी सारी लाइंस थी वो डिलीट कर दी मैंने, क्योंकि डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है 5 लाख। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दिया हुआ है 5 लाख, तो मैंने बाकी सब कुछ डिलीट कर दिया। आगे अब ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया हमारा 5 लाख, इस 5 लाख को स्टेप टू में लेके जाएंगे। स्टेप टू में यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100, तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा इक्वल टू 5 लाख मल्टीप्लाई 6/100, तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 रुपीज। ये 30,000 है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 30,000, यहाँ पे रुपीज लिखने का, रुपीज का सिंबल लगाना, 30,000 रुपीज। अब एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते हैं। जो हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ था, इसमें से हम लोग ये 30,000 और ये 1 लाख दोनों माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। इसको करेक्टेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, या हम लोग इसको प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स भी बोल सकते हैं, करेक्टेड प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स भी बोल सकते हैं।
तो करेक्टेड प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स आ गया। अब यहां पे इस 1 लाख में से ये 30,000 और ये 1 लाख दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली आंसर माइनस में आएगा, आंसर आएगा माइनस इस 1 लाख में से, इस 1 लाख में से ये 30,000 और ये 1 लाख दोनों माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा माइनस 30,000। फिर इसी तरीके से बाकी कॉलम्स, बाकी सारे ईयर सॉल्व करेंगे तो ये 3 लाख माइनस 30,000 माइनस 1 लाख, तो 3 लाख माइनस 30,000 ये होता है 2,70,000 माइनस 1 लाख तो ये आएगा 1,70,000। फिर ये 2 लाख माइनस 30,000 तो 1,70,000 माइनस 1 लाख तो बाकी 70,000। फिर 4 लाख माइनस 30,000 तो 3,70,000 माइनस 1 लाख बाकी 2,70,000। 5 लाख माइनस 30,000 470 माइनस 1 लाख 370। ठीक है, अब ये एरर किसी काम का नहीं है हमारे। डन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रेंड देखेंगे। पहले लॉस है 30,000, फिर 1,70,000 प्रॉफिट है, फिर 70,000 प्रॉफिट है, फिर 270 प्रॉफिट है, फिर 370 प्रॉफिट है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का जो ट्रेंड है, यहाँ पे प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड। यहाँ पे प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो फ्लक्चुएटिंग है, और जब फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड होता है तो अब तब हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन में कुछ बताया हुआ नहीं है कि सिंपल एवरेज करना है कि वेटेड एवरेज करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ बताया हुआ नहीं है कि सिंपल एवरेज करना है कि वेटेड एवरेज करना है, तो हम लोग ट्रेंड देखते हैं। अगर सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज नहीं बताया हुआ है तो हम लोग ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड अगर इंक्रीजिंग हो, प्रॉफिट हर साल बढ़ते जा रहा है तो वेटेड एवरेज, नहीं तो हमेशा सिंपल एवरेज। प्रॉफिट बढ़ते जाए तो वेटेड एवरेज, नहीं तो हमेशा सिंपल एवरेज। तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग हो तो सिंपल एवरेज, डिक्रीजिंग हो, प्रॉफिट कम होते जा रहे हैं तो भी सिंपल एवरेज। ठीक है, अगर बताया हुआ नहीं है सिंपल एवरेज के वेटेड एवरेज तो ट्रेंड देखो। ट्रेंड इंक्रीजिंग हो तो वेटेड एवरेज, डिक्रीजिंग हो सिंपल एवरेज, फ्लक्चुएटिंग में भी सिंपल एवरेज। अब मैं यहाँ पे टोटल करूंगा, इस कॉलम का टोटल करूंगा, इसको मैं बोलूंगा सिग्मा एक्स आई, इसको मैं बोलूंगा सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एक्स आई। अब इस कॉलम का टोटल करेंगे, इक्वल टू सम फ्रॉम माइनस 30,000 टू 3,70,000। कहने का मतलब है ये जो चार प्लस वाले हैं 370, 270, 70 और 170, चारों प्लस वालों को प्लस करेंगे और माइनस 30 को माइनस ही करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर अगर अलाउड हो कैलसी तो कैलसी पे करके देखना, 370 प्लस 270 प्लस 70 प्लस 170 माइनस 30, 30 को माइनस ही करना, टोटल है 8,50,000। अब यहाँ पे हम लोग स्टेप 3B में जाएंगे। स्टेप 3B में हम लोग सिंपल एवरेज करेंगे, क्योंकि बताया हुआ नहीं है सिंपल एवरेज करना है कि वेटेड एवरेज करना है, तो फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड में सिंपल एवरेज होता है। सिंपल एवरेज में फॉर्मूला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ एन ईयर्स अपॉन एन, टोटल प्रॉफिट ऑफ एन ईयर्स अपॉन एन इक्वल टू, अब टोटल प्रॉफिट ऑफ एन ईयर्स आया हमारा ये 8,50,000, तो टोटल प्रॉफिट ऑफ एन ईयर्स 8,50,000 अपॉन एन, मतलब कितने साल है, 5 साल। टोटल प्रॉफिट ऑफ एन ईयर्स अपॉन एन, तो टोटल प्रॉफिट है 5 साल का 8,50,000, तो 8,50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 8,50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,70,000। ये हमारा स्टेप 3B हो गया 1,70,000। अब इस 1,70,000 को स्टेप 3C में लेके जाएंगे,
ये जो 1,70,000 आया हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट, इसको स्टेप 3C में लेके जाएंगे अमाउंट के कॉलम में 1,70,000। अभी इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस करना है, तो क्वेश्चन में कहीं पे भी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई है, तो माइनस जीरो। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी दी हुई नहीं है तो माइनस जीरो। आगे फिर आएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, तो 1,70,000 माइनस जीरो, बाकी 1,70,000। ये 1,70,000 माइनस जीरो, बाकी 1,70,000। फिर 50% टैक्स निकालेंगे, 50% टैक्स जो हम लोग निकालेंगे वो इस 1,70,000 पे निकालेंगे। 1,70,000 का 50%, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,70,000 मल्टीप्लाई 50/100, ये होता है 85,000। 1,70,000 मल्टीप्लाई 50/100, ये होता है 85,000। तो मैं 85,000 कर दूंगा माइनस, 85,000 टैक्स का पैसा माइनस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बाकी बचेगा 85,000। मतलब ये 170 माइनस 85, तो बाकी बचेगा 85,000। अब इस 85,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे, तो बाकी बचेगा 70,000, 70,000। ये 70,000 आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, 70,000 एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। ये स्टेप 3C का आंसर आ गया, ठीक है। सिर्फ ये मैंने जीरो लिखा इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है। ओके, इस प्रॉफिट को मैं बोलता हूं वन, इस प्रॉफिट को मैं बोलता हूं ए। आगे चल के दूसरे चैप्टर्स में काम आएगा, ये टू और ये थ्री, ठीक है। वन मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपको ऐसा वन ए टू थ्री लिखने की जरूरत नहीं है। वन मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ए मतलब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, सेकंड मतलब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और थर्ड मतलब एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल आया 70,000, ये हम लोग स्टेप फोर में लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, ये वाला 70,000, और इसमें से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा 5 लाख का 6% था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 5 लाख का 6% था 30,000, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था हमारा 30,000, ये हम लोग माइनस कर देंगे स्टेप फोर में जाके। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 30,000 माइनस कर देंगे, तो 70 माइनस 30, ये होता है 40,000 रुपीज। 70,000 माइनस 30,000, 40,000, ये 40,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। इस सुपर प्रॉफिट को, इस 40,000 सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 5 इयर्स परचेज कर देंगे, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये होता है 2 लाख। तो गुडविल आएगा हमारा 2 लाख, 2 लाख रुपीज गुडविल, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये आंसर लिखा हुआ है गुडविल 2 लाख, ठीक है। एक भी अमाउंट कहीं पे गलत हो जाएगी तो सारे स्टेप्स गलत हो जाएंगे, ध्यान रखना परफेक्ट आंसर आना चाहिए। इस चैप्टर में कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं है, कोई अकाउंट ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। लिखना शुरू करना, मैं पूरा आंसर स्क्रॉल कर देता हूँ, फिर आप लोग लिखना उसमें से। हर 1-2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और लिखते रहना, ये थियरी वाले पेजेस में लिखना सब, ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना वीडियो पॉज करके। अब मैं एक एक स्टेप बता दे जा रहा हूं, ये स्टेप वन, ये स्टेप टू, ये स्टेप 3A, ये स्टेप 3B, ये स्टेप 3C,
ये स्टेप फोर और स्टेप फाइव, ठीक है, इतना लिख लेना सब लोग अच्छी तरह। इतना लिख लो सब लोग अच्छी तरह बेटा, प्लीज फटाफट शुरू करो।